सो हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड गाइज, बहुत सारे लोग मुझे कॉमेंट कर रहे हैं कि ये जो प्रोडक्ट और मैंने इनग्रीडियंट से बनाई है, यू नो, अपने बालों पे अप्लाई करने के लिए बाल जो है वो काले होंगे ही नहीं। तो इस टॉपिक पे आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ। और गाइज, मैं आप लोगों के साथ में एक बेस्ट रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जिससे कि 100% आपके बाल काले ही होंगे। सो गाइज, ऐसा नहीं है कि जितनी भी मैंने बताई है वीडियो में आपने, जो भी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है उसमें कोई भी केमिकल प्रोडक्ट्स नहीं है गाइज। तो इसमें थोड़ा वर्क करिए अपने ऊपर, और थोड़ा टाइम लगता है, ना कि सडनली जैसे ही आपको केमिकल वाली प्रोडक्ट्स आप परचेस करके लाते हैं और आप सोचते हैं कि केमिकल वाली प्रोडक्ट लेकर आएंगे घर पे लगाएंगे, ऑब्वियसली आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिल जाता है। बट जो नेचुरल प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल है, मैंने आप लोगों को बताया है कि हमारे घर में ही हमारे किचन में सारी चीजें मिल जाएंगी आपको, जो भी आप अपने बालों के लिए करना चाहते हैं, सफेद बालों को जड़ से काला करना चाहते हैं। तो गाइज, आप लोग इतना नेगेटिविटी मत फैलाइए और इतने नेगेटिव मत होइए, और आप इतना ट्रस्ट करिए कि ये बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, आपको बिल्कुल भी हार्म नहीं होगा आपके बालों पे। आपको पता है जैसे आप केमिकल वाली प्रोडक्ट्स लेकर आते हैं अपने बालों पे लगाना स्टार्ट करते हैं, डाई करते हैं, तो आपको फटाफट से 10-15 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाता है, चलो आपके बाल काले हो जाते हैं। बट वो सारी चीजें करिए आप, बट वो सारी चीज करते करते भी आप अपने घरेलू जो नुस्खे होते हैं ना, जो हम बता रहे हैं, जो मैंने बनाई है, प्लीज उसे भी ट्राई करिए, आप बहुत ही बेस्ट है गाइज। मैं खुद ट्राई कर रही हूँ अपने बालों पर, तो फिर मुझे कितना अच्छा रिस्पॉन्स मिला, मुझे कितना अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, मैं आप लोगों को हमेशा बताते रहती हूँ। देखिए, जैसे मैंने बना लिया और मैंने तो बना के अप्लाई भी कर लिया, बट आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने मार्केट से चीजें लाई आप लोग और बस अपने सर पे लगा लिया, और बस बाल काले कैसे हो सकते हैं उससे आपके। और इस प्रोसेस को थोड़ा टाइम लगता है गाइस, तो जरूर आप इसे ट्राई करिए, और धीरे धीरे ये वर्क करेगा तो आपके बाल बहुत ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। तो मैं आपको अपने किचन में लेके चलती हूँ, और आज का जो नुस्खा है ना वो बहुत ही बेस्ट है, ये हमारी दादी नानी सभी लोगों ने बताया है, आप गूगल भी करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा वहां पे। बट गाइस, ये बहुत ही बेस्ट नुस्खा है, और आप अपने बालों को अगर काला करने की सोच रहे हैं ना, तो आपके बाल सच में जड़ से काले होंगे, बिल्कुल भी आपको इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है कि हमने बोल दिया तो आप इसे बस ये है वो है ब्ला 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 करना स्टार्ट कर देते हैं। बट इसे आप जरूर ट्राई करिए, बहुत ही बेस्ट होम रेमेडी है आपके बालों को काला करने के लिए। तो चलिए मेरे साथ किचन में। तो मैंने मेरे पौधे में से लिया है एलोवेरा, और यहाँ पे लिया है मैंने 2 बटाटे। तो इस पोटैटो को अच्छी तरह से एंड एलोवेरा को क्लीन कर लेना है, और यस, हमें इसे पील करना है। तो बटाटे के जो छिलके होते हैं ना गाइस, जब भी आप बटाटे छीलते हैं तो उसे बिल्कुल भी फेंकिए मत, उनके छिलकों में बहुत सारा स्टार्च होता है, जो कि इनमें होते हैं बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स एंड एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि नेचुरली ही मिलता है हमें, और हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ की प्रॉब्लम है तो डैंड्रफ भी इससे निकल जाते हैं। तो यहाँ पर एलोवेरा मैंने लिया है, साइड से इनके इस तरह कट कर लेना है हमें एलोवेरा को, और सिर्फ हमें इसके पल्प की ही जरूरत होती है। और इन दोनों के मिक्सचर से हम रेडी करेंगे हमारा बालों को काला करने वाला एक होममेड रेमेडी, जो DIY आप बोल सकते हैं, सबसे बेस्ट है गाइस, और जरूर ट्राई करना। और यहाँ पे हम मुझे एलोवेरा का सिर्फ पल्प चाहिए, तो मैं इस तरह से अच्छी तरह से इसे कट कर लूंगी, और इन पल्प को यहाँ पे कट करके अब हम इसे स्टार्ट करते हैं बॉइल करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने गैस ऑन कर लिया है। अब इस स्टोव के अंदर आपको डालना होता है 1 कप पानी, तो 1 कप वाटर पूरा आप डालिए, और ये जो है हमने पल्प निकाली है इसे हम ऐड कर देंगे। बस ये देखिए आलू, और ये हमारा एलोवेरा जेल जो फ्रेश होना चाहिए गाइस, और इसे हमें अच्छी तरह से बॉईल कर लेना है। हमारे बालों को काला बनाने के लिए पोटैटो सबसे ज्यादा बेहतरीन होता है। अब वाटर का कलर देखिए चेंज होते जाएगा धीरे धीरे, और यहाँ पे जो हमने एलोवेरा डाला इससे हमारे बाल जो है बहुत ही सिल्की एंड सॉफ्ट हो जाएंगे गाइस। आप इसे जरूर ट्राई करना, दिस इज द बेस्ट होम रेमेडी।
सो फ्रेंड्स, जब ये अच्छी तरह से बॉईल हो जाए, और यहाँ पे गैस को बंद कर दिया है मैंने, और इसे अच्छी तरह से अब हमें छान लेना होता है। अभी ये गरम गरम है, गरम गरम बिल्कुल मत लगाइए अपने सर पे। जब ये पूरी तरह से रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठंडा हो जाए अच्छे से, उसके बाद इसे अप्लाई करना। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है वाटर, जो कि है पटाटर के छिलके और है एलोवेरा जेल के तत्व। तो इनसे आपको सिर्फ, ये बहुत अभी गर्म है गाइज, जो मैं अभी गर्म गर्म किचन में से बना के लाया है आप लोगों के लिए। और गाइज, इसे ठंडा होने के बाद आप अपने बालों पे इसे अप्लाई करिए, 110% आपके बाल जड़ से काले भी होंगे और सिल्की भी होंगे। ये बहुत ही बेस्ट एंड घरेलू नुस्खा है, आप जरूर ट्राई करना एंड कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। बहुत ही इजी है, आप इसे एक बार ट्राई करना तो बनता है, हफ्ते में 3 बार आप इसे लगाना होता है आपके बालों पे, कुछ ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं। आलू के छिलके जब हम फेंक देते हैं डस्टबिन में, कचरे के डब्बे में, तो बहुत ही अच्छा है, हम अपने बालों को क्यों ना उसे काला कर लिया जाए, फेंकने से अच्छा। एंड एलोवेरा आपको कहीं भी मिल जाएगा फ्रेश, तो उसे जरूर यूज करिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, सो डू सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू हियर, एंड यस जरूर ट्राई करना एंड कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा मेरा ये नुस्खा एंड DIY। एंड बालों की अगर आप बात करते हैं, तो बहुत ही अच्छी शाइन आ जाती है आपके बालों में। तो चलिए, अपने बालों का ख्याल रखिए, हेल्दी रहिए, फिट रहिए एंड हीट रहिए। बाय बाय।